हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सफाई दिवस के रूप में मनाया जाना उचित है। राष्ट्र के लिए स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय अभियान है। धूमल ने कहा कि केवल एक दिन सफाई से कुछ नहीं होता, ये सफाई लगातार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपना आस पड़ोस, गली मोहल्ला सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए। एक दिन का सफाई अभियान जागरूकता बढ़ाने के लिए है। बाकी के 364 दिन सभी को यह सफाई अभियान अपने क्षेत्र में खुद चलाना चाहिए। जैसे हम हर वर्ष महिला दिवस, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वैसे ही आज सारा देश प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सफाई दिवस के साथ जोड़कर मना रहा है। देश सफाई के प्रति जागरूक हो रहा है। लोग अब समझ गए हैं कि सफाई कितनी आवश्यक है। इस अवसर पर विजय पाल सुहारू, प्यारेलाल शर्मा, बलदेव धीमान, अजय शर्मा, अंकुश दत्त शर्मा इत्यादि सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। राष्ट्र के लिए स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय अभियान है और ये बहुत उचित है कि उनके जन्मदिन को हम सफाई दिवस के तौर पर मनाएं। केवल एक सफाई के दिन नहीं होगा, लगातार साफ रहना होगा। अपना अड़ोस पड़ोस, अपना घर, अपना इलाका जहां हम रहते हैं, उसको सारे को साफ रखने के लिए सबको प्रयास करना होगा। एक दिन का अभियान का अर्थ तो ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लेकिन जागरूकता ऐसी पैदा हो कि 365 दिन साल में हम लगातार सफाई करें, अपने आसपास सफाई करें। जैसे हम हर वर्ष कभी महिला दिवस मनाते हैं, कभी भूमि दिवस मनाते हैं, कभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मोदी जी के जन्मदिन को आज सफाई दिवस के साथ जोड़कर मनाया जा रहा है। सारा देश जागरूक हो रहा है कि सफाई कितनी आवश्यक है बीमारियां वगैरह खत्म करने के लिए और अन्य अनेकों जो समस्याएं पैदा होती हैं गंदगी के कारण, उनको खत्म करने के लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर स्वच्छता को प्राथमिकता दें और इसे हर वक्त हर दिन स्वच्छ रखें, अपने आप को भी अपने और लोगों को।